Hello, hello, how are you today? Hello, hello, how are you today? I'm happy, let's play. Hello, little champ, welcome to Unique Kids Zone. This is Tanuja, your teacher. and here we are going to learn with lots of fun so all the kids get ready for today's session ha bachcho aaj ke session ke liye taiyar ho jaiye first what are the rules that we need to follow hmm cross cross apple sauce eyes and ears on your teacher ha bachcho jab bhi aapke bachche हाँ बच्चों जब भी आपके टीचर या कोई भी आपको पढ़ाए बहुत ज़रूरी है आपका फोकस्ड होना yes हम्म hmm. so लेट decide what वुड be our today's topic subject and the flow of the सेशन तो मैं बता दूं आज हमारा सब्जेक्ट है हिंदी यस एंड इन हिंदी हमारा टॉपिक होने वाला है वर्ण हाँ बच्चों वर्ण के बारे में हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं क्योंकि हम स्वर ऑलरेडी सीख चुके हैं दैट्स रियली गुड एंड आई होप आप सब अच्छे से कर लिए होंगे आज हम पढ़ेंगे व्यंजन हुँ. तो लेट मी टेल यू द फ्लो ऑफ द सेशन सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डिटेल अबाउट द वर्ण व्यंजन वर्ण ठीक आफ्टर दैट वी विल गो फॉर अ सुंदर छोटी सी प्यारी सी कविता किसके बारे में ऑफ कोर्स व्यंजन से रिलेटेड ही होगा ओके okay? उसके बाद हम, हम, हम व्यंजन को रिकॉल करेंगे डिफरेंट डिफरेंट शब्द के साथ विद पिक्चर येस बिकॉज शब्द कोश बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अलग अलग शब्द नए नए शब्द लर्न करते रहें ठीक है एंड एट लास्ट ऑफकोर्स आई विल गिव यू फ्यू टिप्स हमारे मम्मी को कुछ टिप्स मैं ज़रूर दूंगी ताकि बच्चों को पढ़ाना थोड़ा इजी हो जाए बिकॉज स्वर तो हो जाता है पर व्यंजन थोड़ा सा वास्ट होता है इतने सारे व्यंजन को समझ के याद रख के उसको रिलेट करना कई बार थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है बट ऑफकोर्स रिपीटेशन बहुत ज़रूरी है बच्चों आपको भी अपने पेरेंट्स से बात सुननी है रिपीटेशन बहुत ज़रूरी है ओके सो सो वी गो आर यू रेडी टू सिंग विद मी आई एम मेरे पीछे आपको जरूर गाना है ओके कलम क ककल कुमार क कलम क कलम ख से खरगोश ख ख खरगोश ख से खरगोश ख ख खरगोश ग से गधा ग गधा ग से गधा ग गधा घ से घरी घ घ घड़ी घ से घड़ी घ घ घड़ी हम्म फिर आता है से चरखा चरखा बोलो मेरे पीछे च से चरखा चरखा -चा छ से छतरी छ छ छतरी छ से छतरी छ छ छतरी जैसे जहाज ज ज जहाज जैसे जहाज ज ज जहाज वेरी गुड जैसे झरना झर झर झरना जैसे झरना झ झ झरना यो जैसे टमाटर टा टा टमाटर जैसे टमाटर टा टा टमाटर ठ से ठठेरा ठ ठ ठठेरा ठ से ठठेरा ठ ठ ठठेरा रिपीट आफ्टर मी एवरी टाइम रिपीट आफ्टर मी ड से डमरू ड ड डमरू ड से डमरू ड ड डमरू ढ से ढोलक ढ ढ ढोलक ढ से ढोलक ढ ढ ढोलक दे त से त राजु त से त राजू त त राजू द से त राजु तु थे थर्मस थ थर्मस थ से थर्मस थ थर्मस दसे दसे द ध द, द, द वाद ध से धनुष ध ध धनुष ध से धनुष ध ध धनुष फिर न से नल न न, न नल न से नल न न न नल फिर आता है प प से पतंग प प, प पतंग प से पतंग प, प फ पतंग फ से फल फ फ फल फ से फल फ फ फल ब से बतख ब ब बतख ब से बतख ब ब बतख वेरी गुड भ से भालू भ भा, भ भा, भालू भ से भालू भ भा, भ भा, भालू म से मछली म म मछली कहाँ रिपीट म से मछली म म मछली मां में भी होती है य से यज्ञ य य यज्ञ या से यज्ञ य य यज्ञ फिर र से रथ र र रथ र से रथ र र रथ ल से Bolo 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 Laa se la tu. la laa lattoo Laa se lattoo Laa la, la Va se Walk Va se walk 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 Sha se Shalgam Sha se shalgam Sha sha shalgam Sha se shatkoon Sha sha shatkoon Pher sa se sarota, na na Sa se slid, slate sa slid Sa se slid, sa sa Ha se hati, ha ha hati Ha se hati, ha ha hati Pher kshas se kshatriya Kshas se kshatriya, ksh ksh kshatriya Kshas se kshatriya क्षत्रिय त्र से त्रिशूल त्र त्र त्रिशूल त्र से त्रिशूल त्र त्र त्रिशूल ग से ज्ञानी ग ज्ञानी यस बच्चों ये है हमारा व्यंजन वर्ण तो बच्चों क से लेके ज्ञानी तक के हमने सारा सीख लिया तो अभी फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं आप सब मेरे पीछे बोलिएगा जरूर स्टार्ट करें हम hmm. क यस yes. कैसे पढ़ना है हमको क हम hmm. ख ग घ अंग नाउ वंस अगेन क ख ग घ अंग हम hmm. अभी च छ ज झ ञ वंस अगेन चले च छ ज झ ञ वेरी गुड हम नाउ नेक्स्ट ट

ब, भ, वेरी गुड य र, ल, व, श, श, स, ह, अक्ष त्र श, यस बच्चों हमारे वर्णमाला में टोटल तैतीस व्यंजन होते हैं ठीक है हम्म अक्ष त्र ग, ये जुक्ताक्षर है हम्म अड़ और अड़ ये दो नए स्वर है ठीक है तो हमने सारा पढ़ लिया यस तो बच्चों अभी बारी है हम अलग अलग शब्द सीखेंगे क से अलग शब्द ख से अलग शब्द जितने ज्यादा शब्द हम सीखेंगे उतना हमारा शब्दकोश ज्यादा अच्छा होता जाएगा और हमारा हिंदी भी स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे ठीक है तो क मेरे पीछे बोलिए क क से कमल क, कमल क, कबूतर क, कमीज क, कठल क कछुआ यस yes, अभी ख, ख, ख खरगोश ख खटमल ख खड़ाऊ खरबूजा ख हम्म, yes? hmm. अब देखेंगे ग से कौन कौन से शब्द होते हैं ठीक है रिपीट आफ्टर मी ऑलवेज रिपीट आफ्टर मी ग बोलो ग, ग से, गधा ग ग से गमला ग, ग से, गज हाथी को गज भी बोला जाता है ग ग से गगरी ग, ग से गदा भीम का गदा है ना आप लोगों को सब पसंद है मुझे पता है अभी घ घ से हम्म घर वेरी गुड घ से घड़ी घ से घन क्लाउड है ना बादल घ से घड़ा घ से घड़ियाल ठीक है अभी उसके बाद अंग अंग से खाली यस अभी जाएंगे च उसके बाद आता है च, च से चटाई च से चम्मच च से चप्पल च, च से चक्की च से चरखा गांधी जी का चरखा है ना अभी आगे चले छ के बाद है छ छ छ से क्या होता है छ से छतरी छ से छलनी छ से छड़ी छ से छड़ रॉड छ से छत है ना अभी छ के बाद है ज की बारी ज ज से जहाज जैसे जवान हमारे सोल्जर्स है ना जैसे जलेबी जैसे जग जैसे जड़ पौधों के जड़ रूट यस आगे बढ़े गढ़ अभी झ से झरोखा यस झरोखा ओके छोटे छोटे विंडोज होते हैं ना खिड़की छ से से खाली, ठीक आगे बढ़े हम्म अभी है ट तो से टम ट तौं, तो से टमाटर ट तो से बटन इसमें ट तो बीच में है बटन ठीक है ट तो से टब नहाने का ट तो से टहनी ब्रांचेस जो होते हैं पेड़ के उसको टहनी बोलते हैं ठीक है देखिए कितने अलग अलग शब्द हम जान रहे हैं हमारे शब्दकोश बढ़ते जा रहे हैं स्टॉक ऑफ वर्ड्स से थ, थ, से ठप्पा ठग रॉबर वेरी बैड ठ से ठठेरा से ठहाका हम जोर से ठहाका मार के हंसते हैं ना दैट इज ठहाका ठ से ठहर स्टॉप स्टॉप यस हम्म अभी ड से डफ ड से डफ ड्रम को डफ बोलते ड से डमरू ड से डलिया ड से डगर यस हम्म से डफली फिर चलते हैं किसकी तरफ अभी हम जाएंगे ढ की तरफ ठीक है ढ से ढक्कन लीड यस ढ से ढलान यस फिर ढ के बाद रावण तृण यस ग्रास गट फिर चलते हैं तसे तसे त से तबला तसे तो तलवार तसे यम 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 तरबूज तसे तर तकिया है ना फिर थ थ से थर्मस मैंने पहले भी बताया थ से थर्मोमीटर हम्म थ से थन यस आगे बढ़े हम्म थ के बाद अब आती है द की बारी द से दवात इंक पॉट द से दस, द से दरवाजा से दर्जी टेलर अंकल द से दमकल यस ओके उसके बाद है ध से धनुष ध से धनिया मम्मी को हमेशा जरूरत पड़ती है ध से धड़ शोल्डर धन यस वेरी गुड आगे बढ़े अभी न न से क्या क्या होता है देखो जरा न से नल न से नदी है ना न से नयन हमारे आँखों को नयन भी बोला जाता है ठीक है न से नट हम्म इन लोग कर्तव्य करते हैं न से यस वेरी गुड नाव न के बाद आता है कौन है कौन है ओ प वेरी गुड आपको तो याद है हम प प से पलंग प से पतंग प से पहिया व्हील्स प से पत्ता हम प से पपीता यम 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 यम, यम है ना प के बाद अब आएंगे फ यस फ से बोलो फवारे बहुत प्यारे होते हैं फ से फल बहुत अच्छे होते हैं से फरसा है। फ से फकीर से फसल रिपीट ऑलवेज रिपीट प्लीज आपको बहुत रिपीट करना पड़ेगा है ना क्योंकि हमारे व्यंजन बहुत सारे हैं लेकिन देखिए है, सारे शब्द कितने सुंदर है कितने सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे पिक्चर्स भी हैं ब ब से बतख ब से बकरी गोट है ना से बस हम्म ये तो सबको पता है ब से बरगद हम्म बहुत बड़ा सा पेड़ है से बर्तन आगे बढ़े अभी है भ देखो जरा भ से क्या क्या होता है चलो 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 सब बोलो कमॉन भ भ भा से भवन बिल्डिंग यस भ भा से भवन भ भा से भट्टी बड़े बड़े आग जलते हैं ना भट्टी भ से भगोना यस भ से भवानी हमारी देवी है भ से भगत भसे भगवान भी होता है ना भसे भारत ओहो कैसे भूल गए यस हम्म ना म से बोलो मम्मी <laughs> म से मछली म से मकड़ी म से मटर म से मक्का म से मगर क्रोकोटाइल और माई घाट नाउ य से यज्ञ य से यति शंत यस य से यमुना एक नदी है हमारे देश की ठीक है य से यान भी होता है ठीक है अब आगे बढ़े उसके बाद है र अब आई र की बारी र से क्या क्या होता है जरा देखे र र से रथ र से रक्षक हम्म हमारे गार्ड्स होते हैं ना सोसाइटी के बाहर रक्षक यस र रत्न अलग अलग रत्न होते हैं स्टोन्स यस हम्म र से रस्सी र से रबर इरेजर हाँ डेली लगता है ना यस इरेजर तो रबर वेरी गुड हम्म अभी ल बहुत सारे हैं ल ल से अरे स्वीट सी लड़की ल से लड़की ल से लकड़ हम्म ल से लट्टू ल से लड्डू ल से लहसुन अरे ल से लड़का भी होता है है ना हम्म ओके लेट्स गो फॉर नेक्स्ट अभी देखें व ब और व में फर्क है है ना इसको आप देखिए अंदर खाली है पेट कटा हुआ नहीं है तो ये व है व से वकील व से वक व से वजन व से वर्षा व से वन व से वीणा भी होता है ठीक है ओके फिर अभी आएंगे श श से शलगम श से शरीफा हम्म कस्टर्ड एप्पल यस श से शरबत श से शहद श से शहनाई यस हम्म कितने टाइप के शब्द होते पता है शटकोन के श श से षटकोन श से शडानन यस हम्म कार्तिकेय का और एक नाम ओके श से शटपत हम्म पता है ना इंसेक्ट्स के छः पैर होते हैं इसलिए इनको शर्ट भी बोला जाता है यस वेरी गुड नाउ स यस हम्म अभी स सिया स से सर से, सरोता, mm, सर से समाचार पत्र न्यूज पेपर स से सड़क स सर से सर्कस हम्म mm, अब क्या करेंगे न्यूज़पेपर हिंदी वाला न्यूज़पेपर ढूंढ लेना और उसमें स ढूँढ़ के सर्कल करना नॉट ओनली स एक एक दिन एक एक अलग 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 व्यंजन फाइंड आउट करना रिवाइज करने के लिए इट तो बी हेल्पफुल फॉर यू यस उसके बाद है ह हा, हा से हल ह से हल्दी ह से हथेली ह से हलवाई ह से हनुमान हम्म, ओके उसके बाद क्ष क्ष से शिक्षक क्ष से कक्षा क्ष से क्षत्रिय क्ष से क्षमा यस वेरी गुड नाउ त्र त्र से ये सारे जुक्ताक्षर है ये अक्षर से शुरू करके त्र ये ग, ये सारे जुक्ताक्षर है त्र त्र से त्रिशूल त्र से छात्र त्र पीछे लगा है त्र से पत्र यस बिहाइंड त्र से वेरी गुड नाउ ग लास्ट ग से यज्ञ ग से ज्ञानी श्र।, श्र से श्रमिक श्र से आश्रम श्र से श्रवण कुमार तो बच्चों ये थे अलग अलग शब्द अलग अलग व्यंजन से होप आपको अच्छा लगा पिक्चर के साथ है ना तो आपको भी बार बार रिपीट करते रहना पड़ेगा क्योंकि रिपीटेशन से ही चीज़ें लर्न होती है है ना और आपका शब्दकोश भी बढ़ता जाएगा एंड सभी मम्मियों को बताना चाहूँगी अर्लियर ऑल्सो मैंने बताया कैसे रिविज़न कर सकते हैं कोई भी स्टोरी बुक लीजिए हिंदी या न्यूज़पेपर लीजिए उसमें जो भी वर्ण जो भी व्यंजन जो भी वर्ण आप और उसको आइडेंटिफाई करवाना चाहते हैं उनको सर्कल करवाइए बार बार उसी चीज़ को सर्कल करवाते रहिए इट विल बी हेल्पफुल फॉर देयर रिकोगग्नाइजेशन यस उनको इसी तरीके से लिखना है क ख ग एक लाइन में स्टार्टिंग में फाइव फाइव आएंगे, लास्ट के टू लाइन में फोर आएंगे ये बहुत ज़रूरी है और उन लोगों को एक रिदम में पढ़ना जरूरी है क ख ग छ लाइक like दैट इनको पढ़ना ज़रूरी है और एक बहुत आ, इजी तरीका है जब भी आप आ, हिंदी न्यूज़ चलाते हैं हिंदी न्यूज़ के नीचे जो भी स्कोलिंग पार्ट आते हैं बड़े बड़े स्कोलिंग होते रहते हैं सपोज आज तक लिखा हुआ है तो आज तक में बोल सकते हैं कि बच्चा इसमें कौन सा है आप प्लीज़ एक बार मुझे पॉइंट आउट करके दिखाइए तो इसमें क्या होगा उनका रिकग्नाइजेशन पावर जो है वो बढ़ जाएगा दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट बिकॉज व्यंजन बहुत वास्ट होता है फॉर द बिगिनर्स थोड़ा डिफिकल्ट होता ही है तो बार बार रिपिटेशन से ही इसका सोल्यूशन निकल सकता है सो ऑल द किड्स आज हमने क्या सीखा hmm, आज हमने सीखा वर्णमाला के बारे में वर्ण कितने प्रकार के होते हैं व्यंजन के बारे में डिटेल है ना कितने व्यंजन होते हैं कैसे हम उसको पढ़ सकते हैं कैसे अलग अलग शब्द उससे बना सकते हैं ठीक है होप आप सीखे होंगे और रिवाइज करते रहिए सीखते रहिए दिस इज ऑल अबाउट टू सेशन सो से बाय 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 इट्स टाइम टू से गुड बाय 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 केयर स्टार्ट एंजॉय योर डे